हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब यूनियन और इंटरसेक्शन वाली कहानी हो तो हमें नंबर ऑफ, जैसे मान लो ए यूनियन बी और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आया, इसका मतलब मैं बातें करने वाला हूँ ज्वाइंट सेट। अगर डिसज्वाइंट सेट के विषय में बातें करूंगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। चलो देखते हैं पहले इस कॉन्सेप्ट को और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है पहले समझते हैं, फिर सवालों को बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो कि हम पहले ज्वाइंट सेट लिख रहे हैं, दो ज्वाइंट सेट में लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 4 5 6 7 8। ये दो ज्वाइंट सेट है, ठीक है। ज्वाइंट सेट कैसे सेट्स को बोलेंगे, कैसे दो सेट्स कहलाएंगे जिसमें कॉमन एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देखो 4 और 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, इसीलिए ए एंड बी ज्वाइंट सेट है। तो अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी निकालोगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गए ए यूनियन बी। जब मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स के विषय में बात करते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स देखो 4 और 5 है। बच्चों यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ अगर निकालेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। सेट बी के जब एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो 5 एलिमेंट्स है। नंबर नंबर का मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से। जब हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी के विषय में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 1 2 3 मैं जो लिखा हुआ उसको काउंट कर रहा हूँ, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से नंबर्स के विषय में बात करेंगे। जब हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंसिडर करेंगे तो ये देखो 2 आएगा, 2 डिजिट है यहाँ पे, 2 नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी हमेशा ज्वाइंट सेट के लिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक फार्मूला देता है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो ना यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी 8 हुआ ना, एन ऑफ ए 5, एन ऑफ बी 5 और ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2, तो 8 बराबर 10 माइनस 2, तो 8 बराबर क्या आ गया 8, तो ये फार्मूला क्या है करेक्ट। यहीं पर अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना हो तो इसको इधर कर लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यही कहानी अगर हम डिसज्वाइंट सेट के लिए अगर बात करें, डिसज्वाइंट सेट, ठीक है, अभी हम दो सेट को ले रहे हैं, फिर तीन तीन सेट को भी लेके वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तीन सेट में देखेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, क्लियर है ना। तो देखो डिसज्वाइंट सेट में जैसे दो सेट ले लो, यहाँ पे मान लो मैंने ए बी सी लिया है और बी को मैंने हमने ले लिया डी ई एफ जी, ठीक है। एक में मैंने तीन मेंबर लिया है, तीन एलिमेंट, दूसरा में 4 एलिमेंट। अब अगर आप ए यूनियन बी निकालोगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, तो रिपीट वाली तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। कॉमन में देखते हो रिपीटिंग एलिमेंट को 1 टाइम्स लिखते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा 5। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए का मान 3 है, बी में देखो कितने एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे कितने हैं 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 2 4 6 7 7 है, और इसमें अगर हम बात करें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे 5 मत लिख देना, ठीक है। नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर्स कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब कहानी निकालोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर होगा। अगर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 0, तो 0 घटाओगे तो क्या होगा, वही कहानी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी याद रखना एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी।
अगर डिसजॉइंट सेट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमसे पूछता है बाय द वे, तो ये शून्य होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग है। क्लियर है ना, याद रखना ये। अच्छा अगर मान लो हमसे यहां पर पूछे ज्वाइंट सेट के लिए वनली एन ऑफ ए, ठीक है, वनली एन ऑफ ए का कहानी, जैसे मान लो ए और बी दो दोस्त है, ठीक है ना, तो ए चाय पीते हैं बी कॉफी पीते हैं, और ए बी जो है, जैसे मान लो कि ए चाय पीते हैं बी कॉफी पीते हैं और कुछ फ्रेंड ए और बी जो है चाय कॉफी दोनों पीते हैं, मान लो ये भी कहानी, इंटरसेक्शन वाली भी कहानी दिया, तो एक तो ए का दे रहा है कि चाय पीते हैं और दे रहा है कि दोनों चाय कॉफी भी पीते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ चाय पीने वाला कैसे निकालेंगे, तो चाय पीने वाला का कहानी कहने का मतलब सिर्फ ए निकालने की कहानी, टोटल एन ऑफ ए में से उसका इंटरसेक्शन वाला वैल्यू को क्या करते हैं लोग, माइनस कर देते हैं। अगर मान लो वनली एन ऑफ बी वाली कहानी रहती तो वनली बी वाली कहानी निकालने के लिए भी एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो ये कहानी आपको याद रखना है, एन ऑफ ए वनली एन ऑफ ए एंड वनली एन ऑफ बी। अब मान के चलते हैं कि मान लो तीन सेट दिया हो, ठीक है, और मान लो तीनों के तीनों ज्वाइंट सेट हो, और एक बार कंडीशन ले लेंगे तीनों के तीनों क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो क्या कहानी बनेगा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिए, समझ लो। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 बहुत आसान है, मुश्किल से विद इन 5 मिनट्स में सारा क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज 1.6 का, ठीक है। चलो इसको मैं इरेज करता हूं, इसे मेन कहानी को समझ लो और एक्सरसाइज में कुछ भी वेट नहीं, बहुत आसान है, आप खुद से भी इतना समझने के बाद ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो तीन सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी ज्वाइंट, पहले ज्वाइंट के लिए बात करते हैं, फिर डिसज्वाइंट, और फिर वनली वाला कहानी देखेंगे कि जब तीन सेट देंगे तो वनली ए वनली बी वनली सी कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे मान लो फोर थ्री ज्वाइंट सेट ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है, तो इसमें कहानी देखो क्या मिलेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जो कहानी मिलेगी, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर एग्जांपल्स के माध्यम से भी कोशिश करेंगे समझने का। तो देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, अब प्लस हो जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही कहानी होगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। और यहां पे ए बी सी कैसे सेट्स होंगे, ज्वाइंट सेट होंगे, कैसे सेट्स होंगे, ज्वाइंट सेट। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब इसको बोलेगा प्रूफ करो, मान लो मैं बोल रहा हूं प्रूफ दैट, तो क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे, इसको मान लो मैंने पीटी लिख दिया, पीटी बोले तो प्रूफ दैट, पी बोले तो प्रूफ, टी बोले तो दैट, चलो एलएचएस। तो एलएचएस में देखो ए यूनियन बी यूनियन क्या लिखे हैं, सी, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को एक टर्म मान लो, यूनियन सी कर दो, अब इसको एक टर्म की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो एक टर्म की तरह ट्रीट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला कहानी लगा रहे, इसको मान लो ए, ये पूरा को मान लो ए, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कर देना क्या चीज, सी। समझ में आ रहा है, पूरा को क्या मान लिया, एक टर्म मान लिया, तो एक टर्म की तरह ट्रीट किए, ठीक है। अब इसको देखो, इसको फिर से तोड़ सकते हो फॉर्मूला पे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब प्लस हो जाएगा बच्चों एन ऑफ सी। अब यहां पर देखो एन ऑफ इसको ए, इसको ना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, बीच में यूनियन है तो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है। अब इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो, फिर से फॉर्मूला लगा दो एन ऑफ ए यूनियन बी का, तो ये देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ सी, और यहां पर माइनस देके हम ब्रैकेट ले रहे हैं और इसको एन ऑफ ए यूनियन बी पे तोड़ते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिखोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
प्लस एन ऑफ सी। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा, ये एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सी देखो दो बार कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी को अरेंज करके लिख दो, थोड़ा सजा के लिख दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी लिख दिए, इसके बाद एन ऑफ सी, देखो यहां वाला टर्म को लिख देते हैं, इसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, या पहले बी है तो पहले बी लिख दो, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को सी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये फार्मूला बन गया किसका, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है ना, किसका बना, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो ये जाके फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, क्लियर है ना। चलो नोट करो जल्दी से, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, चलो नोट करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, मल्ली ए मल्ली बी मल्ली सी कैसे निकालेंगे, तो मल्ली ए मल्ली बी मल्ली सी निकालने का बहुत सिंपल सा कहानी होगा, देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ओके। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान वे में, जैसे मान लो तीन सेट दिया है, वनली ए निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं वनली जो है किसको ले ले, ए को ना, इस तरीके से लेते हैं वनली एन ऑफ ए, तो वनली एन ऑफ ए में क्या करोगे, एन ऑफ ए में से देखो किसको घटाओगे, तो ए के साथ जो जो इंटरसेक्शन कॉमन है उसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा बताओ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट होगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फिर बी और सी में तो ए कॉमन है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए, और एक और सब्ट्रैक्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ में आया, वनली एन ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अगर वनली एन ऑफ बी बोले निकालने के लिए तो क्या करना है, एन ऑफ बी में से किसको घटाना, देखो बी के साथ कौन कौन कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा, फिर देखो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा, सी और ए नहीं आएगा, फिर यहां पे देखो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर मान ली सी, चलो इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग सही बना भी रहे हैं कि नहीं, तो एन ऑफ सी में से किसको घटाएंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब नहीं आएगा सी के साथ, तो यहां पे क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। अब जैसे मान लो वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक, तो जब वेन डायग्राम बनाओगे तो तीन सेट कंसीडर करोगे ना, जैसे देखो ज्वाइंट सेट को ऐसे नहीं लिखते हम लोग, डिसज्वाइंट सेट अगर ये तीन रहता तो कैसे लिखते, एक यहां एक यहां एक यहां, ठीक है, और ज्वाइंट को इस तरीके से इंटरसेक्टिंग करके लिखते हैं, तो मान लो ये ए सेट बी सी और ये हो गया यूनिवर्सल सेट, अब हमको वनली सी निकालना है, ठीक ना, ये वाला पार्ट वनली सी में देखो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला देख रहे हैं, वनली सी में सिर्फ ये पार्ट, अब देखो कौन कौन घटेगा, तो वनली सी इसमें से देखो, इस पार्ट में से देखो, यहां से हम लोग कौन कौन घटा रहे हैं ध्यान दो, तो यहां में से एक ये वाला पार्ट घटेगा, ये वाला, अच्छा फार्मूला थोड़ा हमें लगता है सही करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो अच्छा किया मैंने वेन डायग्राम बनाया। अब देखो वेन डायग्राम में यहाँ पे कहानी कुछ होगा, देखो क्या होगा, एक बार क्या कर रहे हैं ये इसको पूरा घटा रहे हैं, देखो बी यहाँ पे सी में ए और सी का इंटरसेक्शन, हम लोग सी निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ए और सी का इंटरसेक्शन हम पूरा घटाए, ठीक है, ए और सी का इंटरसेक्शन कौन हो जाएगा, देखो सेट ए ये है सेट ये है, तो ये वाला पूरा पार्ट घटाए, ठीक है, फिर देखो ये वाला पार्ट घटा है बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों घटा दिए, तो आप गौर कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में ये वाला पार्ट दो बार आ रहा है ना, तो ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तीसरा बार सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तीसरा बार क्या होगा, सम हो जाएगा, ठीक है, देखो वेन डायग्राम में क्लियर हो गया, ठीक, तो कोई भी सवाल बनाने से पहले हम लोग वेन डायग्राम चेक कर लेते हैं तो फार्मूला एकदम करेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, तो ये कैसे प्लस हुआ, ये क्लियर हुआ, देखो यहां पे हमने इसको लिया फिर इसको लिया,
जब इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं तो ये दो बार आ रहा है, तो दो बार आ रहा है तो वापस फिर से घटा देंगे तो तीन बार घट जाएगा। घटना कितना चाहिए? वन टाइम्स घटना चाहिए, समझ रहे? देखो ये वाला और ये, इतना ही ना घटाएंगे तो इतना दूर तो घटा नहीं सकते हो, इतना दूर घटा नहीं सकते हो, तो ये दो बार घटा दिए, इसीलिए लास्ट में हम लोग एक बार क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये चीज याद रखना, वनली ए वनली बी वनली सी वाली कहानी, ठीक है? आई होप गलती नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला फॉर्मूला में बना रहा हूं, चेक कर लेता हूं सही बनाया है या गलत। तो देखो यहां पे मिस्टेक पकड़ में आ गया ना, तो वेन डायग्राम में क्लियर होता है ये कहानी, ठीक है? चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वनली एन ऑफ ए वनली एन ऑफ बी वनली एन ऑफ सी वाला स्टोरी नहीं। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, देखो इसके बाद जो है मान लो कि एग्जैक्टली वाली कहानी रहे, ठीक है? तो एग्जैक्टली एबीसी रहे अगर, एग्जैक्टली ए बी सी अगर रहे, तो इसमें आप क्या करना, वनली एन ऑफ ए प्लस वनली एन ऑफ बी लिख देना और प्लस वनली एन ऑफ सी लिख देना, ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पे हम कहानी बना सकते हैं ना, वनली एन ऑफ ए प्लस वनली एन ऑफ बी प्लस वनली एन ऑफ सी, अभी तो सीखे थे ना एन ऑफ ए वनली निकालना, तो कैसे कैसे निकालेंगे बताओ? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये प्लस किए, फिर एन ऑफ बी वनली एन ऑफ बी निकालने के लिए एन ऑफ बी में से किसको घटाओगे देखो, ठीक है? एन ऑफ बी में किसको घटाएंगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी घटा सकते हो, और फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वनली एन ऑफ सी निकालने के लिए क्या करना, एन ऑफ सी में से सब्ट्रैक्ट करना, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा तो बी इंटरसेक्शन सी कर दो, सी इंटरसेक्शन ए कर दो, ठीक, प्लस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हो गया ना? अब देख लो इसको कैसे लिखोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इसको हमने एक साथ ले लिया। अब देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पर है, तो टू इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यहां पर है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए यहां पर, दोनों माइनस में है तो माइनस टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम होगा। इसी तरह देखो यहां पर एक और बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे टू इंटू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। और यहां पर बच कौन कौन गया देखो, अब बचा ये और ये, तीनों सेम है तो थ्री इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कहानी हो गया वनली ए बी एग्जैक्टली ए बी सी वाला, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एग्जैक्टली वाला कहानी, ठीक है? इसके बाद जो है और सवाल मैं देख ले रहा हूं किस पे बेस्ट है, नाइदर ए और बी वाला कहानी अगर है, ठीक है, नाइदर ए और नॉट बी, ठीक है, नाइदर ए नॉट बी वाला कहानी रहे। देखो इस पे भी मिसलेनियस ने सवाल दिया है, मैं सवाल के आधार पे फॉर्मूला बता रहा हूं। तो नाइदर ए नॉट बी जो है उसको हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या किया था, यूनिवर्सल सेट में किसको घटाया था, ए यूनियन बी, तो यहाँ पे एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में घटेगा एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है? याद रखना है इसको फॉर्मूला को। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस पे दिया है, एट लिस्ट वाला कहानी दिया हुआ, ठीक है? तो एट लिस्ट वाला क्या कहानी है देखो, एट लिस्ट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली हो गया, वनली हो गया, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में क्या करना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी लिखना, ठीक है ना? और यहाँ पे नॉर्मल वही कहानी लग जाएगा जो आप बनाए थे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस लिख देना, जो आपने शुरू में कहानी किया था ना, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नॉर्मल फॉर्मूला जो आप प्रूफ किए थे वही आप एटलीस्ट में कहानी लगाना। तो एटलीस्ट पे बेस्ट भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आई होप इतना ही फॉर्मूला है जिसपे सवाल जो है आपके बुक में मेंशन है। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6, ओके, समझ में आया ना?
चलो बहुत अच्छा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये सब कहानी एकदम दिमाग में रखना। चलो मिसलिनियस में फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है? मिसलिनियस का जब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। हाइट टू 10 मिनट सफिशियंट है एक्सरसाइज 1.6 को बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है एक्स वाई टू सेट है, जैसे कि एन ऑफ एक्स दिया है 17, एन ऑफ वाई दिया है 23 और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है 38। हमसे पूछ रहा है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो सिंपल लगा दो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब लिखोगे क्या, यूनियन वाई बराबर आपने पढ़ा था एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई, अब माइनस हो जाएगा एक्स ऑफ एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो एन ऑफ एक्स देखो 17 प्लस 23 माइनस 38, तो 7 × 3 = 10, 4 − 38 बराबर कितना 2। क्लियर है ना? अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, जा रहा है एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई के पास 18 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 18। एक्स के पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो एक्स के पास 8 एलिमेंट्स है, ठीक है? वाई के पास 15 एलिमेंट है, तो हमसे एक्स इंटरसेक्शन वाई तो डायरेक्ट निकाल दे, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई कर देना, ठीक है ना? जैसे मैंने इसमें ऊपर में बनाया, यहाँ पे 8 प्लस 15 और माइनस 18, तो देखो ये 23 माइनस कितना 8 बराबर 5 आएगा ना। क्लियर है ना? माइनस 18 बराबर 5, 18 और 5 23 होता है ना। चलो इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अब देखो 400 लोग का ग्रुप है तो हम मान लेते हैं 400 ग्रुप, अच्छा उसमें और क्या क्या दिया है, 250 हिंदी बोलता है और 200 इंग्लिश बोलता है, तो कितने व्यक्ति इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉमन बोलते हैं, तो दोनों कॉमन का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो आप क्या करो, ग्रुप में मान लेना एच यूनियन, एच बोले तो हिंदी के लिए मैंने लिखा और इंग्लिश के लिए क्या लिख दो ई, तो ये देखो 400 दिया है 400, और हिंदी बोलने वाले की संख्या ये ऊपर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर में आप मेंशन कर देना कि लेट एच विद द सेट ऑफ हिंदी बोलने वाले, ई विद द सेट ऑफ इंग्लिश बोलने वाले वगैरह वगैरह, ठीक है? उतना तो कर सकते हैं ना। तो 250 हिंदी बोल रहा था 250, अब इंग्लिश बोलने वाले का नंबर्स कितना दिया हुआ है 200, तो देखो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर वाई, इसलिए एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है? तो एन ऑफ एच देखो 250 प्लस एन ऑफ ई भी 250 और माइनस 400, तो ये देखो 500 माइनस 400 बराबर कितना 100। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो अब समझ में आ रहा होगा कितना आसान है, प्रॉपर्टीज पूरा क्लियर है, उसके बाद सवाल में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट होता है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है कि इफ एस एंड टी आर टू सेट और एस के पास 21 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस दिया है 21, इसके बाद देखो टी के पास 32 एलिमेंट है, तो एन ऑफ टी दे दिया है 32। फिर बोल रहा है एस इंटरसेक्शन टी के पास 11 एलिमेंट है, तो एस इंटरसेक्शन टी बराबर 11। हमसे पूछ रहा हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी, तो एन ऑफ एस यूनियन टी, देखो ना सिंपल सिंपल फॉर्मूला तो लग रहा है, इसलिए एन ऑफ एस यूनियन टी बराबर एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, तो ये देखो 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 3 × 5 माइनस 11, 3 में से बन गया 2, 5 में से बन गया 4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलो फाइव नंबर देखो, फाइव में भी बोल रहा है एक्स एंड वाई हैज टू सेट सच दैट एक्स के पास 14 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एक्स बराबर 40, फिर एक्स यूनियन वाई के पास कितने एलिमेंट है, इसके पास है 60, एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास देखो कितने एलिमेंट दिया है 10, तो एन ऑफ वाई से पूछ रहा है व्हाट, तो फॉर्मूला लगा दो, सिंस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, पूछा क्या एन ऑफ वाई, तो देखो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन ऑफ एक्स बराबर एन ऑफ वाई, अब वैल्यू डाल दो, तो यूनियन देखो 60, इंटरसेक्शन देखो 10 माइनस 40 बराबर एन ऑफ वाई, इसलिए एन ऑफ वाई जो हो गया ये कितना हो जाएगा 70 में से 40 गया तो 30 हो गया, ठीक है चलो नोट करो, रेस कर रहा हूं मैं। इसके बाद देखो लास्ट में दो टू क्वेश्चन में क्या क्या कहानी दिया है, इसलिए मैंने बोला एक्सरसाइज अगर बनाना है तो 5 मिनट बहुत सफिशियंट है, कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में 3 बचा है ना, अभी हमको तो लगा 2 ही। चलिए 6 में देखो बोल रहा है बच्चों इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, ठीक है तो देखो एन ऑफ सी कॉफी को सी से प्रेजेंट करते हैं 37 है, 52 लाइक टी तो एन ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर दो 52, लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट वाली वही कहानी थी यूनियन बी में ही लगने वाला, हाउ मेनी पीपल बॉथ टी एंड कॉफी, टी इंटरसेक्शन सी कॉमन पूछ रहा है और एन ऑफ टी यूनियन सी ग्रुप कितना दे दिया था 40 की 70 दिया हुआ है, सॉरी 70 दिया हुआ है, तो निकाल लो ना एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है ये पूछा है ना 6 में हाउ मेनी पीपल लाइक बॉथ कॉफी एंड टी इंटरसेक्शन पूछ रहा था, ये 37 52 में से कितना घटा था 70, 7 2 9 5 3 8 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा आंसर 90, ठीक है समझ में आ रहा है ना एक्सरसाइज 1.6, चलो नोट करते जाएंगे समझते भी जाएंगे ठीक है ना 1.6 19 वेरी गुड करेक्ट आंसर दिया है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कह रहा है इन्हें ग्रुप 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट और 10 वॉथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो देखते हैं एन ऑफ सी अब की सी क्रिकेट है ठीक है ना, ऊपर कॉफी था लेकिन इस क्वेश्चन में क्रिकेट है, 10 जो है क्रिकेट और टेनिस तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं टेनिस को टी 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 मत मानना टेनिस टी दैट इज टी लेटर टी ठीक है, तो 10 जो है दोनों लाइक कर रहे हैं तो 10 हो गए, हाउ मेनी टेनिस वनली एन ऑफ टी वनली एन ऑफ टी बराबर व्हाट, ठीक है वनली नॉट क्रिकेट हाउ मेनी लाइक टेनिस एन ऑफ टी भी पूछ रहा है और क्या दिया है ग्रुप है 65 पीपल का तो एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर 65, तो पहले तो एन ऑफ टी निकाल लो फिर वनली एन ऑफ टी निकाल देना, ठीक है तो क्या करोगे एन ऑफ सी यूनियन टी बराबर एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, तो देखो वैल्यू पुट करो ये 65 है एन ऑफ सी 40 है एन ऑफ टी निकालना है और ये दिया है 10, ठीक है तो ये कितना होगा 65 माइनस 40 प्लस 10 बराबर एन ऑफ टी, इसलिए एन ऑफ टी निकालने का कहानी 65 में 10 जोड़ो 75 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक है नाउ वनली एन ऑफ टी पूछ रहा है तो वनली एन ऑफ टी निकालने का कहानी एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन क्या करना सी, तो 35 माइनस 10 बराबर आंसर आ जाएगा 25, क्लियर है ना। चलो लास्ट सवाल देख लो 8 नंबर, 8 में कह रहा है इन कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच तो एन ऑफ एफ फ्रेंच बोले तो एफ से रिप्रेजेंट कर दो 50, बी से स्पेनिश लाइक कर रहा है तो एन ऑफ एस 20, 10 दोनों लाइक कर रहे हैं एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस ये हो गया 10, ठीक है अब बोल रहा है
हाउ स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, एटलीस्ट कम से कम तो वनली वाला कहानी हमसे पूछ रहा है और एटलीस्ट ऑफ द टू लैंग्वेज, तो सबसे पहले क्या निकाल दो, एन ऑफ एफ यूनियन एस निकाल दो, ठीक है, नहीं एटलीस्ट वाला कहानी यूनियन निकाल लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, तो क्या होगा 50 प्लस 20 माइनस 10, देखो तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एटलीस्ट मैंने बोला ना यहाँ पे यूनियन का कहानी पूछता है, 60 करेक्ट दिया आंसर। तो देखो आज आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 भी कवर किया, इससे पहले देखो मैंने सारा एक्सरसाइज पूरा डील किया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, बीच में आपको वेन डायग्राम का कहानी बताया, शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा अब एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग सेट थ्योरी का देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा, मेंस और एडवांस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं अपना हैंड रिटन सेट बनाता हूँ तो उसका भी कम से कम 5-10 जो भी सेट्स अवेलेबल होंगे मेरे पास अभी बना हुआ, मैं कोशिश करूंगा उसका पीडीएफ बना के वीडियो बना दूं, ठीक है, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को बोर्ड पे मैं डील भी करूंगा, ठीक है, कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इतना तो आपके बोर्ड के लिए सफिशियंट है, मिसलेनियस बता दूंगा तो बोर्ड के लिए बहुत सफिशियंट। हाँ एक और हम लोग प्रूफिंग का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग एक क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग मानते हैं कि ये बिलोंग्स टू सबसेट वगैरह का कहानी, जैसे ए सबसेट बी साबित करेंगे, फिर बी सबसेट ए साबित करेंगे, तो ए बराबर बी, इस तरह से दो सेट को इक्वल करेंगे, इस तरह की स्टोरी होगी, ठीक है। वो आपका एनसीईआरटी में जो है नहीं दिया है, साइड बुक देखोगे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी आपके पास साइड बुक अवेलेबल है वहां पे उस तरह का प्रूफिंग, थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रूफिंग दिए हुए होते हैं, तो हम लोग समझेंगे किस प्रकार से प्रूफिंग होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक्सरसाइज 1.6 का कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा मैंने जो भी ऑपरेशंस आपको बताया यूनियन और इंटरसेक्शंस को लेके, इसका नॉलेज आपको अच्छा से हुआ होगा। ओके, थैंक यू।